Good morning, student. I am your English teacher. Today I am going to explain you the chapter 8, The Shepherd Boy. So let's start the chapter. There was once a young shepherd boy who tended his sheep at the foot of a mountain near a dark forest. Ek bar ek young shepherd boy. Shepherd means a person who tends and rears sheep. एक ऐसा व्यक्ति जो शीप्स को चराता है और उनकी देखभाल करता है उसे कहते हैं शेपर्ड. दैट वाज कॉल्ड शेपर्ड. एक बार एक शेपर्ड यंग शेपर्ड बॉय हु टेंडेड हिज शीप अपनी भेड़ों की देखभाल करता था एट द फुट ऑफ माउंटेन पहाड़ के नीचे नियर अ डार्क फॉरेस्ट और घने जंगलों के पास. इट वॉज रैदर लोनली फॉर हिम ऑल डे. इससे वह पूरे दिन अकेला ही रहता था. सो ही थॉट अपॉन अ प्लान बाय विच ही कुड गेट अ लिटिल कंपनी एंड सम एक्साइटमेंट. सो ही थॉट अपॉन अ प्लान. इसीलिए उसने एक प्लान सोचा बाय विच जिससे ही कुड गेट अ लिटिल कंपनी जिससे उसे थोड़ी सी कंपनी मिल सके थोड़ा सा साथ मिल सके एंड सम एक्साइटमेंट और थोड़े एक्साइटमेंट मिले. एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह. ही रश डाउन टूवर्ड्स द विलेज कॉलिंग आउट वोल्फ वोल्फ. ही रश डाउन वे तेजी से दौड़ा टूवर्ड्स गाँव की ओर टूवर्ड्स द विलेज गाँव की ओर कॉलिंग आउट और चिल्लाया वोल्फ वोल्फ और चिल्लाया भेड़िया भेड़िया. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन किड. हु टेंडेड हिज शीप. यस द आंसर इज अ यंग शेपर्ड बॉय टेंडेड हिज शीप. एक यंग शेपर्ड बॉय अपनी शीप को टेंडेड करता था देखभाल करता था टेक केयर करता था. ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द बॉय रश. लड़का कहाँ भागा तेजी से. यस द आंसर इज द बॉय रश डाउन टूवर्ड्स द विलेज. लड़का भागा तेजी से गांव की ओर. ओके And let's start again. He rushed down towards the village calling out wolf wolf. वह दौड़ा गांव की ओर और चिल्लाया भेड़िया भेड़िया. And the villagers came out to meet him. गांव वाले came out बाहर आए to meet him उससे मिलने. And some of them stopped with him for a और उनमें से कुछ and some of them और उनमें से कुछ stopped. Stopped, रुक गए with him उसके साथ for a next page 40 for considerable time काफी समय के लिए. उनमें से कुछ जो उसकी हेल्प के लिए आए थे उसके पास रुक गए considerable time काफी समय के लिए. This pleased the boy so much. इससे लड़का बहुत खुश हुआ. That a few days after, इसके कुछ दिनों बाद, he tried the same trick. उसने same trick, इसी trick को दोबारा किया and दोबारा try किया and again the villagers came to his help. और दोबारा से villagers उसकी help के लिए आए. But shortly after this, इसके कुछ time बाद A wolf actually did came out from the forest. पर इसके कुछ समय बाद एक भेड़िया असलियत में सच में जंगल से बाहर वहाँ आ गया. And began to worry the sheep and the boy of course cried out wolf. भेड़ों की चिंता में लड़का बेशक of course cried out चिल्लाने लगा still louder than before wolf wolf. भेड़िया भेड़िया क्यों चिल्लाने लगा क्योंकि उसे भेड़ों की चिंता हो गई और वो चिल्लाया स्टिल लाउडर देन बिफोर इतना तेज जितना कभी नहीं चिल्लाया. बट दिस टाइम द विलेजर्स पर इस बार द विलेजर्स गांव वाले हु हैड बीन
फूल्ड ट्वाइस बिफोर, जो पहले ही दो बार बेवकूफ बन चुके थे, मूर्ख बन चुके थे, थॉट सोचा उन लोगों ने सोचा, द बॉय वॉज अगेन डिसीविंग दैम, उन लोगों ने सोचा लड़का उनको दोबारा अगेन दोबारा उनको धोखा दे रहा है, डिसीविंग धोखा दे रहा है, एंड नो बडी स्टर्ट टू कम टू हिज हेल्प, और उनमें से कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। सो द वोल्फ मेड अ गुड मील ऑफ द बॉयज फ्लॉक, जिससे वोल्फ को भेड़िए को एक अच्छा भोजन मिल गया बॉयज फ्लॉक में से, बॉयज का जो भेड़ों का झुंड था उसमें से। एंड वेन द बॉय कंप्लेन, और जब बॉय ने ये कंप्लेन की, ये शिकायत की, द वाइज मैन ऑफ विलेज सेड, गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अ लायर विल नॉट बी बिलीव, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इवन वेन ही स्पीक्स द ट्रूथ, चाहे फिर वो तब वो सच ही क्यों ना बोल रहा हो तब भी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अ लायर विल नॉट बी बिलीव इवन वेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। Got it, kids? Now, after explaining the chapter, I am going to start book exercise. B. Fill in the blanks. B. Fill in the blanks. The young shepherd boy tended his sheep near a dash. Near a dash. Forest. The young shepherd boy tended his sheep near a dash forest. So, you have to write here dark. You have to write here dark. The young shepherd boy tended his sheep near a dark forest. Young shepherd boy apni sheep ki take care karta tha near the dark forest. Ghane junglo mein. Number 2. Some of the villagers dash with him a considerable time. So you have to write here stopped. STOPPED, stopped. Some of the villagers stopped with him for a considerable time. Stopped. You have to write here stopped. Number 3. The villagers had been fooled twice before. You have to write here twice. TWICE, TWICE, twice. The villagers had been fooled twice before. Villagers इससे पहले दो बार मूर्ख बन चुके थे. 4. A dash will not be believed even when he speaks the truth. You have to write here liar, liar. A dash, a liar will not be believed even when he speaks the truth. Our next exercise, fill in the blanks with is, am, are. Is, am, are. But before the exercise, let me explain how to do this exercise. Okay? Number 1 is. Is. Is used for singular noun or pronoun. Is used for singular noun or pronoun. Is हमेशा singular, एक, एक noun या pronoun के साथ use होता है. Am. Am is always used for I. Am is always used with I. Are. Are used for plural noun or pronoun. आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है. लेट्स स्टार्ट. डैश, ही डैश, नंबर 1, ही डैश इन द हाउस. सो यू हैव टू राइट हियर इज, बिकॉज ही इज सिंगुलर, ही प्रोनाउन एंड दिस इज सिंगुलर. ही वह, ही डैश इन द हाउस. सो यू हैव टू राइट हियर इज, आई एस इज. He is in the house. Number 2, I dash Mohit. I am Mohit. You have to write here M, A-M-M. Number 3, they dash nice girls. You have to write here R, A-R-E-R. They are nice girls. Number 4, we dash hungry. You have to write here R, A-R-E-R.
वी आर हंग्री. इट डैश कोल्ड, यू हैव टू राइट हियर इज. इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड. नंबर सिक्स, शी डैश नॉट वेल, शी डैश नॉट वेल, यू हैव टू राइट हियर इज. शी इज नॉट वेल. सेवन, यू डैश माई फ्रेंड, यू हैव टू राइट हियर आर. आर, यू आर माई फ्रेंड. लेट्स कम टू आर नेक्स्ट पेज, नंबर 42. एंड एक्सरसाइज, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको नीचे लिखे वर्ड्स के ऑपोजिट यानी विलोम, उल्टे ऑपोजिट लिखने हैं. नंबर वन, कोल्ड, यू हैव टू राइट हियर हॉट. एच ओ टी हॉट, कोल्ड हॉट, एच ओ टी हॉट. नंबर टू, डे, यू हैव टू राइट हियर नाइट. एन आई जी एच टी नाइट, एन आई जी एच टी नाइट, डे नाइट. नंबर थ्री, वाइज, यू हैव टू राइट हियर फुलिश. एफ डबल ओ एल आई एस एच, फुलिश. एफ डबल ओ एल आई एस एच, फुलिश. नंबर फोर, लेस, यू हैव टू राइट हियर मोर. लेस मोर, एम ओ आर ई मोर. नंबर फाइव, हैप्पी, यू हैव टू राइट हियर सैड. एस ए डी सैड, हैप्पी सैड. नंबर सिक्स, लॉस्ट, यू हैव टू राइट हियर फाउंड. एफ ओ यू एन डी फाउंड, लॉस्ट फाउंड. नंबर सेवन, अगली, यू हैव टू राइट हियर ब्यूटिफुल. बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटिफुल. नंबर एट, वीक, यू हैव टू राइट हियर स्ट्रांग. एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रांग. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द राइट वर्ड्स इन बॉक्स ए बी सी एंड डी. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. पहला आपके लिए किया हुआ है, आपको बाकी कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ए, ट्री, ट्राम, ट्रेन, ऑलरेडी डन. यू हैव टू राइट हियर ट्रैप. टी आर ए पी, ट्रैप. ट्री, ट्राम, ट्रेन, ट्रैप. टी आर ए पी, ट्रैप. बी, हाइव, ऑलरेडी डन. यू हैव टू राइट हियर डी आर आई वी ई, ड्राइव. डी आर आई वी ई, ड्राइव. एफ आई वी ई, फाइव. डी आई वी ई, डाइव. डी आई वी ई, डाइव. ड्राइव, फाइव, डाइव. हाइव, ड्राइव, फाइव, डाइव. सी, वॉल एंड बॉल, ऑलरेडी डन. यू हैव टू राइट टॉल. टी ए डबल एल, टॉल. टी ए डबल एल, टॉल. सी ए डबल एल, कॉल. सी ए डबल एल, कॉल. वॉल, टॉल, बॉल, कॉल. डी, यू हैव टू राइट हियर गोट. जी ओ ए टी, गोट. जी ओ ए टी, गोट. सी ओ ए टी, कोट. सी ओ ए टी, कोट. बोट, ऑलरेडी डन. एन ओ टी ई, नोट. यू हैव टू राइट हियर नोट. एन ओ टी ई, नोट. गोट, कोट, बोट, नोट. ओके किड्स, और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. एंड एक्सरसाइज, ए, एक्टिविटी, ड्रॉ एंड कलर अ फ्रूट इन दिस बास्केट दैट यू लाइक. आपको ड्रॉ करने हैं और कलर करने हैं वो फ्रूट जो आपको पसंद हैं. बी, ड्रॉ एंड कलर अ फ्रूट इन दिस बास्केट देन यू डोंट लाइक. आपको वो फ्रूट इस बास्केट में ड्रॉ करने और कलर करने हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक. सी, मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स दैट यू लाइक एंड अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स दैट यू डोंट लाइक. आपको वो लिस्ट बनानी है, फ्रूट्स आई लाइक, जो फ्रूट्स आपको पसंद हैं, फ्रूट्स आई डोंट लाइक, जो फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है. दीज एक्टिविटी यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके किड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक वर्क वी विल स्टार्ट आर कॉपी वर्क ऑफ द चैप्टर 8, द शेपर्ड बॉय. स्टार्ट विथ डिक्टेशन.
एक्साइटेशन, नंबर वन एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, 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 excitement. Number two, actually, in the spelling A double A C T U A double L Y, actually A C T U A double L Y, actually. Number three, CONSIDERABLE, 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 considerable. Number four, DECEIVING, 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 deceiving. And the last one, number five, WORRY, 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 worry. Question two, word meaning. Word meaning. Number one, shepherd. 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 Shepherd means gadariya. Gadariya, shepherd means gadariya. Number two is tend, tended. Number two is tended, TENDED, tended means dekhbhal karna, dekhbhal karna. Number two, tended means dekhbhal karna. Number three is company, 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 company. Company means saath. Saath.
कंपनी मीन्स सात. नंबर फोर इज लोनली. एल ओ एन ई एल वाई लोनली. एल ओ एन ई एल वाई लोनली. लोनली मीन्स अकेला. लोनली मीन्स अकेला. नंबर फाइव प्लीज्ड. पी एल ई ए एस ई डी प्लीज्ड. पी एल ई ए एस ई डी प्लीज्ड. प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न होना. प्रसन्न होना. प्रसन्न होना. नाउ आई विल स्टार्ट मेन सेंटेंस ऑफ चैप्टर 8 द शेपर्ड बॉय. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. वी मेक सेंटेंस एंड द फर्स्ट सेंटेंस वर्ड इज शेपर्ड. एस एच ई पी एच ई आर डी शेपर्ड. एस एच ई पी एच ई आर डी शेपर्ड. इन द सेंटेंस रामू इज अ शेपर्ड. रामू इज अ शेपर्ड बॉय. रामू इज अ शेपर्ड बॉय. रामू ए शेपर्ड बॉय है. नंबर टू टेंडेड. T-E-N-D-E-D. Tended. In the sentence, he tended his sheep. वह अपनी शीप की देखभाल करता है. नंबर थ्री कंपनी. कंपनी आर पेट्स आर आर पेट्स give us good company. Our pets give us good company. हमारे pets हमको एक अच्छा साथ देते हैं, हमें अच्छा साथ देते हैं, अच्छी company देते हैं. Please, number four, pleased. In the sentence, he was pleased to get good
pleased to get good marks. वह खुश हुआ, बहुत खुश हुआ अच्छे मार्क्स आने पर. He was pleased to get good marks. Now I am going to start question answer of chapter 8. The question number 1 is who tended T-E-N-D-E-D. Who tended his sheep? His sheep. Who tended his sheep? The answer is a young shepherd boy. A young shepherd boy. A young, Y-O-U-N-G, young. A young shepherd boy. S-H-E-P-H-E-R. A young shepherd boy tended his sheep. A young shepherd boy tended his sheep. Who tended his sheep? कौन चलाता था, कौन देखभाल करता था अपनी शीप की? A young shepherd boy. एक young shepherd boy देखभाल करता था अपनी शीप की. The question number 2. Thank you.
वी बॉयज हेल्प। कौन आए बॉयज की हेल्प, बॉय की हेल्प करने के लिए? विलेजर्स, गांव वाले आए बॉय की हेल्प करने के लिए, लड़के की हेल्प करने के लिए। फोर इज हू मेड, हू मेड अ गुड मीन ऑफ बॉयज फ्लॉक। Who made a good meal of boys flock? किसने boys के flock को अपना खाना बना लिया? Flock भेड़ों का झुंड, sheep का झुंड। किसने boys के flock को अपना खाना बना लिया? And the answer is a wolf. A wolf. A wolf made a good meal, good meal good meal of the boys flock. एक भेड़िए ने बॉयज के फ्लॉक को अपना खाना बनाया।